हमने पहले प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन ऐसे सर्वनाम शब्द के साथ क्रिया शब्द जोड़ते हुए वाक्य बनाए थे। उसी क्रम में आज मध्यम पुरुष में प्रथम पुरुष में था सा तौ ते और मध्यम पुरुष में त्वम युवाम युवियों यानी ये सर्वनाम शब्द हैं और सर्वनाम शब्द के साथ क्रिया शब्द को जोड़ रहा हूँ। क्रिया दिशा परिवर्तन रहती है और कर्ता वही रहता है। जैसे उदाहरण स्वरूप तुम ये सर्वनाम शब्द है हिंदी में तुम पढ़ते हो यह हिंदी है। हिंदी से हमें संस्कृत बनाना है। सर्वनाम ये तुम शब्द सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम कर्ता के साथ बोले जाने वाला शब्द तुम पढ़ते हो ये क्रिया है। इसे कहते हैं क्रिया। अब सर्वनाम शब्द इसकी स्ट्रक्चर के बनाने सर्वनाम शब्द सर्वनाम और क्रिया आदि ये संस्कृत में। अब तुम पढ़ते हो तुम की संस्कृत त्वम त्वम पढ़ते हो पठसी पठसी कर्ता जिस वचन का होता है उसी वचन की क्रिया होती है। यह मध्यम पुरुष में चल रहा है त्वम तुम त्वम तुम पढ़ते हो पठसी तुम पढ़ते हो। अब तुम दो पढ़ते हो तुम दोनों पढ़ते हो तुम युवाम माने होगा तुम दोनों पढ़ते हो पठ थ तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठता पठा था। अब आगा तुम सब पढ़ते हो तुम सब पढ़ते हो तुम सब पढ़ते हो। पहले जो था तुम पढ़ते हो तुम दो पढ़ते हो और तुम सब पढ़ते हो। सब में बहुवचन प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन युयाम माने तुम सब पठत तुम सब पढ़ते हो युवाम पठत। अब यह है इस तीनों को हम कहते हैं मध्यम पुरुष। ये मध्यम पुरुष है मध्यम पुरुष। जैसे मैंने बताया था कि पुरुष तीन होते हैं। प्रथम पुरुष में हमने परसों पढ़ा जिसमें सात और ते था। आज हम पढ़ रहे हैं तुम त्वम युवाम युवम यानी तुम दोनों और तुम सब त्वम युवाम। अब क्रियाएं पठसी पठता पठ। अब इसी प्रकार से अगला है उत्तम पुरुष में आता है जैसे मैं पढ़ता हूँ तो इसकी संस्कृत होगी मैं अहम। जैसे कहते हैं अहम पढ़ता हूँ पठामी। इस उदाहरण से क्रियाओं से इसे हम सब बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं अहम पठामी। अब अगला है हम दोनों पढ़ते हैं। ये दो के लिए आ गया द्विवचन हम दोनों पढ़ते हैं तो हम दोनों पढ़ते हैं इसका आ जाएगा आवाम आवाम पठा
पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, यह आ गया बहुवचन, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामः, वयम पठामः, वयम पठामः। अब इसमें हमने तीनों चीजें सीखी हैं, यह है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष अपने से शुरू होता है, नए हम, उत्तम और बीच में मध्यम, तुम मध्यम और अंत वाला जो है वो प्रथम व्यक्ति है। सह दूर के लिए इशारा हो रहा है, सह मध्यम बीच के लिए और उत्तम अव्यय।